हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग उदारीकरण का के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इसका अर्थ क्या है, क्यों इस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, कि इस भाग को अपनाया गया और इसकी क्या विशेषताएं थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर भारत में आर्थिक क्षेत्र में ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए उदारीकरण के सिद्धांत को अपनाया गया। जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हैं बच्चों, तो उसमें कुछ ऐसी कमियां या दोष उभर कर सामने आते हैं जिससे पता चलता है कि इन कमियों को दूर करने के लिए या इनमें सुधार करके भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक विकसित किया जा सकता है। यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता के बाद से देखें, तो उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में और कई अन्य विशेषताओं के रूप में उदारवाद का जो तत्व था वो शुरू से ही विद्यमान था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो थी वो अपने आप में ही लचीली और उदार थी। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को उस समय की आर्थिक नीतियों में जो बनी 1948 की और उसके बाद की जो आर्थिक नीतियां बनी 1980 तक, उसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को विकास के समान अवसर दिए गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कमियां उभर के सामने आई जिससे भारत में की जो गिनती थी वो विश्व के आर्थिक रूप से पिछड़े देशों में होने लगी। अतः सरकार के लिए ज़रूरी था कि उन कमियों को समझकर एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करे जिसमें भारत आगे बढ़ सके। इसमें पहला कारण है जिसकी वजह से हमें उदारीकरण की आवश्यकता पड़ी, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के मध्य व्याप्त असंतुलन की नीति। जब स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में 1948 की आर्थिक नीति अपनाई गई, तो उसमें यह सोचा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को औद्योगिक क्षेत्र में समान महत्व दिया जाए। कुछ उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के निर्धारित किए गए, कुछ निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए, और यह माना गया कि इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में संतुलन बनाते हुए ये दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी या विरोधी नहीं होंगे और एक दूसरे का पूरक बनकर आर्थिक विकास करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनी कि दोनों के बीच में तालमेल की कमी के कारण क्या हुआ कि असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई और भारत को जो आर्थिक सफलता, आर्थिक विकास प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ। क्या हुआ कि निजी क्षेत्र को आर्थिक नीतियों के माध्यम से विकास के पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन फिर भी निजी क्षेत्र में आर्थिक नीतियों के मूल भावना के विपरीत प्रवृत्तियां उभरने लगी। अनुज्ञापत्र, विदेशी मुद्रा नियमन, विदेशी सहयोग, विदेशी तकनीक के आयात, आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण आदि का जो नियम बनाए गए थे आदि से संबंधित, उनका निजी क्षेत्र में क्या होने लगा, उल्लंघन होने लगा। और वहीं सार्वजनिक क्षेत्र को देखा जाए, जो स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, उसमें अकुशल प्रबंधन और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, लेट लतीफ़ी आदि कई कमियों के कारण वो क्षेत्र भी ढंग से विकसित नहीं हो पाया, जिससे क्या हुआ कि दोनों के मध्य जो संतुलन की स्थिति बनाई गई थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। सार्वजनिक क्षेत्र को क्या था कि उस समय माना गया था कि बुनियादी जो उद्योग थे, जो आधारभूत ढांचे वाले उद्योग थे, वहीं तक सीमित रहना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सेवा क्षेत्र के और उपभोक्ता सामग्री वाले क्षेत्र थे, उसमें भी सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने लगा, उसका विस्तार हुआ। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई दोनों की आपस में। अतः इस प्रतियोगिता को समाप्त करने और संतुलन स्थापित करने के लिए ही
उदारीकरण के सिद्धांत को अपनाया गया ताकि सार्वजनिक क्षेत्र को भी सीमित किया जा सके और निजी क्षेत्र के भी सीमा का निर्धारण किया जा सके। दूसरा पॉइंट है बच्चों, अनुज्ञापत्र। अनुज्ञापत्र किसको बोलते हैं हम लोग? लाइसेंस को। अनुज्ञापत्र एवं अन्य निरोधक कानूनों की अपर्याप्तता। आर्थिक नीति के माध्यम से आर्थिक और औद्योगिक विकास को सामाजिक और राष्ट्रीय हितों से जोड़ने के लिए अनेक कानून बनाए गए। निजी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया गया ताकि केंद्रीय जो उनकी केंद्रीकरण की भावना थी उसमें थोड़ी कमी लाई जा सके। तो इसमें क्या हुआ कि सरकार ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हुए दो महत्वपूर्ण कार्य किए। उस समय क्या किया, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को जरूरी माना गया और दूसरा निजी क्षेत्र पर कानूनी अंकुश या नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया ताकि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति न बढ़ सके। और ये किसके माध्यम से किया गया? लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से। कि किसी भी, इसमें क्या माना गया कि किसी भी उद्योग कंपनी को यदि अपना उपक्रम स्थापित करना है तो उसे क्या लेना पड़ेगा, सरकार से पहले लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस के रूप में अनुमति सरकार से लेनी होगी कि हमें इस जगह पर इतने धन के निवेश के साथ अपना उद्योग स्थापित करना है। और इसके लिए क्या करा सरकार ने, जो शर्तें थीं वो कठोर मानी गई। अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए वो आर्थिक प्रगति में अधिक सहायक नहीं हुए। जो विदेशी मुद्रा अधिनियम है, एकाधिकार प्रवृत्तियों को रोकने संबंधी जो कानून थे उनमें इतनी ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ बनाई गई कि जो निजी क्षेत्र के उद्योग थे या जो अन्य उद्योग थे वो सही ढंग से विकास नहीं कर पाए। वस्तुओं के आयात निर्यात के संबंध में भी कानून कठोर माने गए। हालांकि स्वतंत्रता से पूर्व निजी क्षेत्र की जो भूमिका थी उसमें बच्चों ये जरूरी था कि निजी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, लेकिन फिर भी उस समय की परिस्थितियों में इनकी समय समय पर समीक्षा करना जरूरी था कि कितना सुधार इन कानूनों के द्वारा हुआ है, लेकिन उस समय समीक्षा नहीं की गई। तो जो अव्यवस्था उत्पन्न होने लगी इन कानूनों की कठोरता के कारण, तो उस स्थिति में उदारीकरण को अपनाना जरूरी हुआ ताकि जो ये लाइसेंसिंग प्रणाली के जो कानून थे इनकी कठोरता में थोड़ी कमी लाई जा सके और अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। अगला पॉइंट है बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र का अकुशल प्रबंधन। हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि निजी क्षेत्र में कई कमियां सामने आने लगी, उसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में भी कई दोष उत्पन्न होने लगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को जरूरी माना गया और इसी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर सरकार ने जोर दिया। और समाजवादी समाज के निर्माण के लिए भी जरूरी माना गया कि सरकारी क्षेत्र का विकास हो। इसके माध्यम से निजी क्षेत्र पर वांछनीय अंकुश लगाए गए, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की धीमी विकास दर और इसका जो निरंतर बढ़ता हुआ घाटा था वो राष्ट्रीय विकास में सहायक बनने के बजाय इसका क्या हुआ, इससे नुकसान होने लगा। इसकी जो प्रमुख कमियां थी क्या था, पहला इसमें कि एक तो कुशल प्रबंधन के अभाव के कारण सार्वजनिक क्षेत्र जो उपलब्धियां थी वांछित उनको प्राप्त करने में सफल रहा। दूसरा, उपयुक्त और पर्याप्त मानव संसाधन के विकास का ना होना भी इसके विकास ना होने का एक कारण बना। अकुशल प्रबंधकों की नियुक्ति से सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता और गुणवत्ता को विपरीत रूप से प्रभावित किया और इसकी गुणवत्ता निरंतर धीरे धीरे कम होती गई। सरकारी क्षेत्र में राजनेताओं और नौकरशाहों के अनुचित हस्तक्षेप को भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है जिसके कारण इसका विकास नहीं हो पाया। सार्वजनिक क्षेत्र में जो कार्य करने वाले उच्च प्रबंधक थे उनसे लेकर
पत्सोपान व्यवस्था में निजी श्रमिक वर्ग तक किसी ने भी इसके महत्व को नहीं समझा और यहाँ के जो संसाधन थे, वित्तीय संसाधन, उनका अनुचित दोहन किया, जिसका क्या परिणाम हुआ बच्चों कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो घाटा था वो धीरे धीरे बढ़ता रहा और से भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर पिछड़ती गई। अतः 1985-86 तक यह जरूरी हो गया कि सार्वजनिक क्षेत्र पर भी का सीमा क्षेत्र भी निर्धारित किया जाए ताकि देश का सही ढंग से विकास हो और सार्वजनिक क्षेत्र की समय समय पर समीक्षा की जाए ताकि अर्थव्यवस्था के जो वांछित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। अगला पॉइंट है इसमें राष्ट्रीय संरक्षण। जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की तो उस समय जो सरकार थी और जो भारतीय जनमानस था उसने काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, अंग्रेज़ों की लंबी गुलामी के बाद क्या हुआ था, आज़ादी प्राप्त की थी। तो उस समय उनकी मानसिकता यह थी कि हमने काफ़ी वर्षों के संघर्ष के बाद आज़ादी प्राप्त की है, स्वतंत्रता प्राप्त की है, तो यदि हम वापस से विदेशी कंपनियों पर निर्भरता रखेंगे या विदेशी देशों के साथ व्यापार करेंगे तो हो सकता है कि वो वापस से हमारे देश पर व्यापारिक रूप से अधिकार कर लें या हमें अपने दास्ता में वापस से ले लें। तो इस डर के कारण भारत को यह माना गया कि आर्थिक रूप से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है, तो भारत का जोर किस पे रहा, आत्मनिर्भर बनने पे। तो इस वजह से जो देशी उद्योग थे, लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उनके विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया, आयात और निर्यात पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए। ऐसा माना गया कि विदेशी और पूंजी जो तकनीक थी, विदेशी पूंजी और विदेशी तकनीक थी, उसके प्रवेश से भी भारत पर वापस से जो दास्ता का दाग है वो लग सकता है। ऐसी स्थिति में परहेज की नीति अपनाई गई विदेशी तकनीक से। तो क्या हुआ कि हालांकि भारत में उद्योगों का विकास हुआ लेकिन धीरे धीरे भारतीय उद्योग जो थे विदेशी प्रतिस्पर्धा से बिल्कुल अलग हो गए और यह भारतीय उद्योगों के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ और कुटीर और लघु उद्योगों के माध्यम से भारत वो आर्थिक विकास प्राप्त नहीं कर पाया जो वो प्राप्त उसको करना था। तो इस तरह से कुल मिलाकर राष्ट्रीय संरक्षण की जो नीति थी भारत की, उससे भारत में उद्योगों में अक्षमता और पिछड़ापन बढ़ता गया क्योंकि उचित तकनीक देश को प्राप्त नहीं हो पाई। अतः उदारीकरण की नीति के माध्यम से इस बात पर विशेष बल दिया गया कि यदि भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होना है तो उसको इन सभी नीतियों को और सभी कानूनों को उदार बनाना होगा ताकि विदेशी तकनीक, पूंजी आदि का निवेश भारत में हो और भारत का आर्थिक विकास सही ढंग से हो पाए। अगला पॉइंट है बच्चों विरोधाभासी प्रवृत्तियाँ। स्वतंत्रता के बाद हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो अंतर्विरोध और विरोधाभासों से युक्त रही। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया जिसमें यह माना गया कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक बन के रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के विरोधाभासी ही बने रहे। राष्ट्रीय और सामाजिक उत्थान, समाजवाद और पूंजीवाद दोनों एक दूसरे के अंतर्विरोधी बने रहे। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अंतर्विरोध की स्थिति थी उससे भारत की आर्थिक व्यवस्था सही ढंग से विकसित नहीं हो पाई। अगला पॉइंट है लघु उद्योगों पर जोर। स्वतंत्रता के बाद हमने पढ़ा कि सरकार ने अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों पर जोर दिया। साधारण तकनीक और कम पूंजी के माध्यम से देश के अलग अलग भागों में लघु और कुटीर उद्योग स्थापित किए गए। इन उद्योगों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर जो युवा वर्ग था, जो वहाँ का कामगार वर्ग था, उसको रोजगार प्राप्त हुआ। लेकिन
जो अर्थव्यवस्था का परिप्रेक्ष्य उस समय था, उस दृष्टि से यह आर्थिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा, क्योंकि लघु और कुटीर उद्योगों पर जोर देना से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, वो जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी, उससे धीरे धीरे दूर होती गई, पिछड़ापन आता गया अर्थव्यवस्था में, क्योंकि उनको भारतीय उद्योगों को वो तकनीक और वो विदेशी पूंजी जो उसके विकास के लिए आवश्यक थी, वो प्राप्त नहीं हो पाई, और लघु उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में अपना पूर्ण सहयोग नहीं दे पाए। ऐसी स्थिति में सरकार को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमें लघु और कुटीर उद्योग तो स्थापित करने ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बड़े उद्योग भी स्थापित करने होंगे, ताकि देश का विकास जो है सही ढंग से हो सके। अगला पॉइंट है पिछड़े पूंजीवाद का निर्माण। मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से पूंजीवाद और समाजवाद की जो कमियां उत्पन्न होने लगी थी, उनको दूर करने के लिए दोनों के मध्य संतुलन की नीति अपनाई गई। इसके माध्यम से पूंजीवाद के विकास पर रोक तो नहीं लगाई गई, लेकिन पूंजीवाद को पूर्ण रूप से विकसित होने से रोकने के लिए कुछ नियम कानून अवश्य इसमें लगाए गए, जिससे स्वस्थ और विकसित पूंजीवाद का निर्माण नहीं हो सका, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था का सफल रूप से संचालन नहीं हो पाया। विपिन चंद्रा जो हैं अपनी किताब में लिखते हैं कि भारत के जो उस समय नीति निर्माता थे, उनके द्वारा समाजवाद और पूंजीवाद को एक साथ जोड़कर रखना भारत की अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक रहा, जिससे दोनों ही सही ढंग से विकसित ना हो पाए, ना तो समाजवाद ढंग से विकसित हो पाया और न ही पूंजीवाद ढंग से विकसित हो पाया। इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में नए विकल्पों की शुरुआत हुई, जिससे अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद और समाजवाद जैसे तत्वों से दूर रखकर सही ढंग से विकसित किया जा सके, और यह नई तलाश उदारीकरण ही थी। अगला पॉइंट है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नकारात्मक भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एशिया, अफ्रीका आदि सभी देशों में अपनी अपनी कंपनियों का विस्तार किया, और एक तरह से इनका जो विस्तार था वो नव उपनिवेशवाद या नव साम्राज्यवाद के रूप में हुआ। इन कंपनियों ने औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों में अपने कंपनियां स्थापित की और काफ़ी लाभ अर्जित किया। तो अपने विकास के लिए इन कंपनियों ने क्या किया कि भारत जैसे देशों के आत्मनिर्भर बनने के लिए इन्होंने कई तरह के नियम लगाए, कई तरह के रोड़े अटकाए, और भारत के आर्थिक और राष्ट्रीय हितों में नकारात्मक भूमिका इन्होंने निभाई। निजी क्षेत्र के रूप में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं, वो देश के आर्थिक विकास पर हावी हुई। उपनिवेशवादी शक्तियाँ भी भारत में हावी होने लगीं, और उसे एक अघोषित उपनिवेशवाद की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे भारत की आज़ादी को चुनौती प्राप्त होने लगी थी। ऐसी स्थिति में यह जरूरी था कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ थीं, उनके भारत में प्रवेश के लिए जो कानून थे उनमें संशोधन किया जाए, सुधार किया जाए, ताकि देश के उद्योगों को भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ विकास का अवसर मिले, और इस तरह की प्रक्रिया को सरकार ने उदारीकरण के माध्यम से पूरा किया। इसके साथ में बच्चों अगला कारण है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का अभाव और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों से भारत का अछूतापन आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिससे भारत में यह महसूस हुआ कि उदारीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाए, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके।
भारत की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाने के लिए यह महसूस होने लगा अब सुधारों के तहत कि भारत की आत्मनिर्भरता तो बढ़ाई जाए लेकिन साथ में कुछ ऐसे सुधार भी किए जाएं जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य है उसमें भारत का हस्तक्षेप भी हो और उसके अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हो सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हालांकि स्वतंत्रता के बाद जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई उसमें उदारता के तत्व विद्यमान थे लेकिन जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई 1985-86 तक उनमें कुछ कमियाँ थीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के गतिरोध के कारण कई दोष उत्पन्न हुए और उन दोषों को दूर करने के लिए 1985-86 की आर्थिक नीति के माध्यम से उदारीकरण को अपनाया गया और 1991 के माध्यम की नीति के माध्यम से इसको व्यापकता प्रदान की गई। इस तरह से उस समय के परिदृश्य में उदारीकरण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी भारतीय अर्थव्यवस्था की, लेकिन इसके अति विस्तार ने भारतीय उद्योगों और कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं भी पैदा की हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में कई समस्याएं पैदा हुई हैं। इनका निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप इन क्षेत्रों में बढ़ा है जिससे इन सेवाओं का, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सेवाओं का कल्याणकारी स्वरूप समाप्त होता जा रहा है और ये क्षेत्र उद्योगों का रूप लेते जा रहे हैं। उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा लगातार घट रहा है और देशी उद्योग धंधे समाप्त हो रहे हैं। लघु और कुटीर उद्योगों की संख्या में कमी आ रही है और कई उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में अब सक्षम नहीं रहे हैं। लेकिन अभी इसका मूल्यांकन करना थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि अभी तक इसके वांछित परिणाम बच्चों प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके में कुछ समय लगेगा। तो ज़रूरी है कि समय समय पर जो भारत की आर्थिक प्रणालियाँ हैं, आर्थिक नीतियाँ हैं, उनकी समीक्षा की जाए और उनमें सुधार किए जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। धन्यवाद।